चौथे टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल ने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है जिसे आज तक अपने लिए कोई भी भारतीय लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नहीं कर पाया है। क्या है दोस्तों वो रिकॉर्ड? जिसने बड़े बड़े प्लेयर्स की धज्जियां उड़ा दी, जिसने बड़े बड़े प्लेयर्स को पछाड़ दिया, जिसने बड़े बड़े प्लेयर्स को जिसे आज तक कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं कर पाया इंडियन टीम के लिए, वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि जायसवाल साहब जिसने पिछले दो मैचों में लगातार दोहरे शतक लगाए थे और लगातार दो मैचों में दोहरे शतक लगाने का रिकॉर्ड भी उनके ही नाम रहा था पिछले दो मैचों में, अभी तीसरा मैच जो कि रांची में चौथा मैच जो कि रांची में चल रहा है, उस मैच में यशस्वी जायसवाल ने 73 रनों की शानदार पारी खेली थी। जहां भारतीय टीम का फर्स्ट इनिंग में टोटल स्कोर 219 रहा था, वहां यशस्वी जायसवाल का इन 219 रनों में 73 रनों का शानदार प्रदर्शन रहा था दोस्तों। अब दोस्तों आपको बताते हैं वो रिकॉर्ड यशस्वी जायसवाल ने जो अपने नाम किया है। वैसे आपके लिए बता दें कि इससे पहले ये रिकॉर्ड राहुल द्रविड़ और विराट कोहली कर चुके हैं, लेकिन वो दोनों राइट हैंड बल्लेबाज हैं। यशस्वी जायसवाल जो कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, उन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर में लगातार एक सीरीज में 600 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है। इससे पहले कई प्लेयर्स आए, युवराज सिंह जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स आए, लेकिन कोई भी ये रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज नहीं कर पाया। यशस्वी जायसवाल पहले ऐसे इंडियन क्रिकेटर बन गए हैं लेफ्ट हैंड के जिसने 600 रन एक सीरीज में कंप्लीट करने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है दोस्तों। वैसे विराट कोहली और राहुल द्रविड़ मैंने पहले ही बताया कर चुके हैं, लेकिन वो राइट हैंड बल्लेबाज हैं। आप दोस्तों क्या कहेंगे यशस्वी जायसवाल के इस रिकॉर्ड के लिए, इतने बेहतरीन यशस्वी जायसवाल के इतने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए, उनकी इतनी अच्छी प्लेइंग के लिए? चैट सेक्शन में लिख कर जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।